हम चाह रहे हैं कि एक नए कार्यकारिणी का गठन किया जाए, क्योंकि आने वाले और लोगों को भी इसमें मौका दिया जाए जो कि समाज की सेवा कर सके। 15 मार्च दिन रविवार को पंचमुखी में अखिल भारतीय कोली समाज इकाई जिला कांगड़ा की मौजूदा कार्यकारिणी को भंग करके विधिवत चुनाव करवाकर नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। ये घोषणा अखिल भारतीय कोली समाज इकाई जिला कांगड़ा के अध्यक्ष पंजाब सिंह ने बुधवार को पंचमुखी में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय इस सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष कोली समाज श्री उत्तम कश्यप, बैजनाथ के विधायक श्री मुल्क राज प्रेमी एवं विधानसभा क्षेत्र जयसिंहपुर के पूर्व विधायक यादविंदर गोमा विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। पेश है पंचुकी से पीआर न्यूज सहयोगी वृद्धिमान की रिपोर्ट। 15 तारीख रविवार को जिला कांगड़ा पुलिस समाज की बैठक हो रही है। इसमें प्रदेश के हमारे जो प्रमुख हैं उनके साथ 5-10 टीम यहाँ आ रही है, और साथ में हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जो विभिन्न जिला के अध्यक्ष हैं पुलिस समाज के, वो भी इस बैठक में शरीक होंगे। और साथ में उसमें 15 तारीख को हम चाह रहे हैं कि एक नए कार्यकारिणी का गठन किया जाए, क्योंकि आने वाले और लोगों को भी इसमें मौका दिया जाए जो कि समाज की सेवा कर सके, और हमारी कमजोरियाँ हैं उनको दूर करने में वो सहायक हो सके। और मैं समस्त कोली समाज से अपील करता हूँ कि वो इस बैठक में शरीक हों और सुबह 10:30 यहाँ पहुँचने की वो कृपा करें, और ये प्रोग्राम शाम तक चलेगा। इसमें दोपहर की एक भोजन की व्यवस्था भी की गई है, और जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो भी समाज को अपना मार्गदर्शन करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें अधिक से अधिक लोग इसमें